तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफी बारीकी में यहाँ पर वायरिंग की गई है। तो गाइस हमारा फुटेज वीडियो इसी में से होता होगा गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बारीकी यहाँ पर वायरिंग की गई है। तो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेमोरी कार्ड आप लोग तो यूज में लेते ही होंगे भाई अपना वीडियो सेव करने के लिए, फोटो सेव करने के लिए। मगर मैं आपसे बोलूँ जो मेमोरी कार्ड आप लोग यूज में लेते हो ना, क्या आपको पता है इसके अंदर होता क्या है, कैसे ये बना है, कैसे ये वर्क करता है? तो शायद से गाइस आप लोग को नहीं मालूम होगा कैसे ये बना है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग देखते हैं मेमोरी कार्ड के अंदर होता क्या है। तो गाइस अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसा ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम लोग देखते हैं मेमोरी कार्ड के अंदर होता क्या है, कैसे ये बना है। तो फाइनली भाई लोग चलो गाइस आज के वीडियो में देखते हैं इस मेमोरी कार्ड के अंदर आखिर होता क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर ले लिया और साथ ही भाई यहाँ पर मैं एक सेंड पेपर भी ले लिया। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, कैंची की मदद से भाई एक मैं छोटा सा पीस कट लेता हूँ यहाँ पर सेंड पेपर का। और गाइस सेंड पेपर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं पीस कट लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं कुछ टेप की मदद से कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो फाइनली भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे सारा कुछ तैयार हो चुका है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मेमोरी ले लेता हूँ गाइस, और चलो मैं इसको यहाँ पर घसना शुरू कर देता हूँ, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। तो फाइनली भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि अभी मैं मेमोरी को यहाँ पर घसना शुरू ही किया कि यहाँ पर कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ है क्या। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और घस कर देखता हूँ, इसके बाद देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो फाइनली भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर काफ़ी देर मेमोरी को घसा, मगर गाइस मुझे यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दर्पण के जैसे कुछ यहाँ पर चमकीला पदार्थ देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये बहुत ही लाइटिंग कर रहा है, तो मुझे तो ये इतना खास नहीं लगा, तो मैं फिर से इसको लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ देर के बाद हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रुक गया, क्योंकि गाइस यहाँ पर लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा मेमोरी ही यहाँ पर टूट गया है। तो गाइस मैं यहाँ पर सारा कुछ सेट गया, मैं फिर से एक मेमोरी ले लिया। तो गाइस मुझे जो रिजल्ट चाहिए ना वो रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं फिर से दूसरा मेमोरी ले लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ चलो मैं इसको आग पर गर्म करके देखता हूँ, इसके बाद देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो मैं यहाँ पर एक मोमबत्ती ले लिया, चलो इस मोमबत्ती में मैं आग लगा देता हूँ, इसके बाद देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो फाइनली भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा मेमोरी यहाँ पर खुल चुका है। तो गाइस इससे खोलने में काफ़ी मेहनत लगा, मगर गाइस हमारा मेमोरी यहाँ पर खुल चुका है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बारीकी में यहाँ पर वायरिंग की गई है। तो गाइस हमारा फुटेज वीडियो इसी में सेव होता होगा गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बारीकी यहाँ पर वायरिंग की गई है। और गाइस यहाँ पर फिर से हमको चमकीला पदार्थ कुछ देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये दर्पण के जैसे लग रहा है दिखने में, और गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर टुकड़ा बच गया है गाइस मेमोरी का, चलो गाइस इसको आग पर डाल कर देखते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा मेमोरी में आग लग गया है गाइस। तो गाइस अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो गाइस जो भी है ना गाइस सारा कुछ यही है गाइस, इसी में हमारा डाटा सेव होता है। आई होप भाई लोग आप लोग तो जान गए होंगे गाइस कि मेमोरी कार्ड के अंदर होता क्या है, कैसे यूज में आता है गाइस। तो गाइस अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसा ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।